वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश, दिल्ली मेट्रो में एक और अश्लील वीडियो क्लिप अपलोड की गई है, ये मामला सामने आया है, क्या कुछ अभी ताजा जानकारी है? जी देखिए, अश्लील वीडियो को लेकर के डीएमआरसी जो है, दिल्ली मेट्रो का जो नियंत्रक है, वो इससे इनकार कर रहे हैं और तो माना जा रहा है कि 250 इसके पहले जिसकी काफी चर्चा हुई थी और जिसे इंटरनेट के पहले अपलोड कर दिया गया था, उसको लेकर के ये उसी के मिसप्लेसिंग का नतीजा और उसी का नतीजा है शरारती तत्वों की ओर से कि उसको फिर से दोबारा रिलीज किया गया है। ऐसे बहुत सारे वीडियो अभी भी दूसरे लोगों के हाथ में, और जैसे इस तरह के मामला है, मॉनिटरिंग रूम में बिल्कुल सख्ती बरती गई है और कम से कम दिल्ली मेट्रो की ओर से इस तरीके के बिल्कुल लीक नहीं हुए हैं। साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने रूप से एक अपील जारी की है अपने साइट पर, अपने मेट्रो स्टेशन पर एक चिट्ठी चिपकाई आदेशानुसार, जिसमें कहा गया है कि जो यात्री हैं वो उनकी अपनी गरिमा का ख्याल रखें, मेट्रो की गरिमा का ख्याल रखें, एक सभ्य नागरिक होने का ख्याल रखें, ये सबसे जरूरी है जी। लेकिन ऋषिकेश, इस तरह का मामला जो है वो पहले भी आ चुका है, तो ये कहा जाए कि पुलिस या डीएमआरसी ने किसी तरह के सुरक्षा इंतजाम वहां नहीं किए, कोई पुख्ता सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए, इस तरह की वीडियो क्लिपिंग आना पुलिस या वहाँ की जो प्रशासन है वहाँ पर उस पर सवाल या निशान खड़ा करता है? जी देखिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं लीकेज का मामला है। माना जा रहा है कि जो नियंत्रण कक्ष में होते हैं मेट्रो के, जो पूरा, चूंकि मेट्रो लाइन से लेकर पूरी जो गाड़ियां हैं वो सर्विलांस पर होती है सीसीटीवी की, वहाँ पे खास लोग मौजूद होते हैं, वहाँ पे सीआईएसएफ की निगरानी नहीं होती है, सीआईएफ का दायरा उससे बाहर होता है, वहाँ के कर्मचारी उसका जिम्मा संभालते हैं। सीआईएसएफ पर आरोप अब लग रहा था कि उसने सिक्योरिटी में कोताही बरती है, लेकिन सीआईएसएफ के अधिकारियों ने सीधे रूप से पल्ला झाड़ा डीजी जो सीआईएसएफ थे, और उन्होंने कहा कि वो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है, वो डीएमआरसी के अंतर्गत आता है, इसलिए वहाँ के कर्मचारियों की चूक से या उसकी मिली हुई तीसरे के वीडियो सामने आए हैं। ये जरूर आप कह सकते हैं कि जो मेट्रो के लूप फॉल्ट है वहाँ के अधिकारियों की ओर से, उसको लेकर के ये ज्यादा संजीदगी नहीं बरती गई, और 250 वीडियो आप कल्पना कर सकते हैं कि मेट्रो में बड़ी तरीके के अश्लील कपल के वीडियो उन्हें लोड किए गए हैं सर्विलांस के दरमियान, तो ये कितना खतरनाक या मेलिंग की घटनाएं बन सकती है। फिलहाल सीआईएसएफ जो कि इसका इस्तेमाल के सुरक्षा का, उसने इसे इनकार किया है और लोगों से अपील की है इसी कारण मेट्रो के अधिकारियों ने कि वो अपनी गरिमा का ख्याल रखें। अब किस तरह के सुरक्षा इंतजाम वहाँ की प्रशासन इस मामले पे करेगा या क्या रणनीति रहेगी उनकी? ये देखिए, उसके बाद से जो सर्विलांस का रूम है उसमें भी अब सीआईएसएफ की निगरानी होगी, उसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, उनके साथ ही साथ अब वहाँ जो भी अधिकारी होंगे उनके रिकॉर्ड को देखा जा रहा है, वहाँ पे कौन सी ड्यूटी कितने बजे की थी ये देखा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात की जो इस तरह की अश्लील हरकतों को अंजाम देते हैं, जो कपल्स हैं वो गरिमा का ख्याल नहीं रखते हैं, उसको जरूरत है ज्यादा से ज्यादा अपने बरतने की और संयम बरतने की, और इसी से माना जा रहा है कि लोग अपनी गरिमा का ख्याल रखें, नागरिक होने का ख्याल रखें, जिससे किस तरह की घटनाओं को में कमी आ सके, इजाफा ना हो सके और लोगों को मौका नहीं मिले किस तरह की चीजों को इंटरनेट पर डाला जा सके जी। किसी अपराधी के पकड़ में आने की कोई खबर है? ये क्या सवाल दे रहे हैं जी? अभी तक किसी भी अपराधी के या कोई आरोपी पकड़ा गया है, पुलिस ने किसी आरोपी को पकड़ा है वहाँ पे कि इस तरह की जो क्लिपिंग बनाते हैं या जो जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए, ये बेसिकली बिल्कुल सरकारी महकमे का काम है, दिल्ली मेट्रो के नियंत्रण वाला जो कक्ष होता है वहाँ से ये चीजें लीक हुई है, लेकिन महिला बाल और विकास सुधार आयोग ने जरूर कहा है कि जो भी कपल्स दिख रहे हैं, जो पुरुष कपल है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इससे सरकार ने, सिला सरकार ने इस पे अलग ही कोई कमेंट नहीं दिया, और सिर्फ इतना ही कहा है कि ये लोगों की अपनी डिसिप्लिन का नतीजा, अनडिसिप्लिन का नतीजा है, इस तरह की घटनाएं अगर हो रही है तो दुखद है, ये निश्चित रूप से शहर के लिए घातक है, उसकी व्यवस्था खराब होगी, और लोगों से अपील की है दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो ने कि वो इस तरह की चीजों में संलिप्त न हो, जिससे की स्वच्छ और सुंदर वातावरण को कायम किया जा सके जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए। हमारे साथ सतीश अग्रवाल जुड़ रहे हैं, भाजपा नेता है आबू रोड से। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी में आपका। आज वसुंधरा राजे का आबू रोड नहीं पहुंचने पर वहां के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है, काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया, क्या कुछ कहेंगे आप? सब अफवाह है, वसुंधरा राजे का किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, न ही किसी भी कार्यकर्ता द्वारा कोई काले झंडे दिखाने की कहा जी। लेकिन इस तरह की खबर है कि उनको काले झंडे दिखाए गए, इवन यहाँ तक उनको बॉडीगार्ड्स के धक्के भी खाने पड़े, बेबुनियाद तो आधारहीन खबर है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, हमारे साथ थे, बता रहे थे कि ये सारी ही बात एक अफवाह के तौर पर फैलाई गई है। सूत्रों के हिसाब से जो खबर है वो ये है कि युवा मोर्चा कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने विरोध जताया है वसुंधरा राजे का वहां पर नहीं माउंट आबू में नहीं पहुंच आबू रोड पे नहीं पहुंचने पर। काफी समय से वसुंधरा का वे लोग इंतजार कर रहे थे और उनका वहां नहीं पहुंचना लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने उस पर काले झंडे दिखाकर विरोध किया। कार्यकर्ता सतीश अग्रवाल से हमने आपकी बातचीत करवाई, उनका कहना है कि ये पूरी ही खबर आधारहीन है, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, एक अफवाह के तौर पर इस खबर को फैलाया जा रहा है। पहले हमने आपके बात करवाई बीजेपी कार्यकर्ता सतीश अग्रवाल से, जिनका कहना था कि ये पूरी ही खबर आधारहीन है, इस पर उनका कोई अफवाह के तौर पर फैलाएगी। लेकिन अब हम आपसे बातचीत हमारे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता को जोड़ते हैं, साथ में गोविंद कटारिया सिरोही से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद, क्या कुछ खबर है इस बारे में कि विरोध वसुंधरा का विरोध वहां किया गया या नहीं? वसुंधरा का विरोध यहाँ पर किया गया, यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, वही मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग थे जो रोजा होने के बावजूद भी मैडम के स्वागत के लिए आए हुए थे और मैडम के नहीं मिलने से वो भी काफी खफा हुए हैं और उन्होंने का भी कहना है कि इस तरह का जो घर साथ व्यवहार किया गया है वो अच्छा नहीं है। जी, किस तरह का विरोध किया लोगों ने वहाँ पर? लोगों ने उनके नारेबाजी की, हाय हाय की, वसुंधरा आया है जी। और उन्होंने का कहना था, वो उनका ये था सबसे बड़े की काफी संख्या में वहाँ पे एकत्रित हुए थे युवा कार्यकर्ता, वह अल्पसंख्यक के लोग थे जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे क्योंकि मैडम काफी लेट चल रही थी, लेट होने से उनका वो एकदम मतलब घिन्ना गए थे। उसके बावजूद जब उनको पता चला कि मैडम तो नहीं आ रही है और वो अंबाजी मंदिर से ही मुड़ गई है, उसको लेकर के एकदम वो आक्रोशित हुए और हाय के नारे लगाने लगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद हमारे साथ थे। अब हम बात करवाएंगे आपकी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके चंद्रराज सिंह जी से। चंद्रराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी में। आपने जदयू से इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ आपकी विचारधारा उन जदयू से अलग हो गई कि आपको इस्तीफा देने की नौबत आ पड़ी? मैंने इस्तीफा नहीं दिया मैडम जी, मैंने तो लिखा है कि मैं जदयू का सदस्य बना रहूंगा, लेकिन नीतीश कुमार ने सारे पैसे बिहार के हित में किए और किसी की परवाह की नहीं, किसी स्टेट में घूमे नहीं, जैसा ठीक समझा वैसा करते हैं, तानाशाही रवैया है, गठबंधन को तोड़ दिया, देश में किसी को पूछा नहीं, बिहार इसकी राजनीति करते हैं, मोदी पर हिंदू परस्ती का आरोप लगाते हैं और कुछ 17 साल बीजेपी के साथ अंकित शाहनी की तरह सोए हैं, क्या अधिकार है उनको कहने का? मैंने कहा वो हिंदू परस्त है, आप मुक्ति परस्त हो। इन बातों को लेकर मैंने कहा कि मैं मोदी के नेतृत्व में कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं जदयू में बना रहूंगा, संदिग्ध के कारण मैं जदयू से त्याग पत्र नहीं दूंगा। जी, लेकिन इसका मतलब कि आपने त्याग पत्र नहीं दिया जी? आप हमसे ये बताइए कि शरद यादव और नीतीश के बीच में जो अंतरकला दिख रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? किससे दिखाया है? मैंने तो नहीं कही कभी ये बात, मैंने तो यह कहा है कि नीतीश की जो नीति है में जो जी छपरा में जो बयान दिया गया उनमें दोनों के बयानों में अंतर नजर आया। कौन से व्यक्ति में आप एक बार वापस पूछिए मुझसे पर। हेलो जी, नीतीश कह रहे हैं कि शरद यादव ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, छपरा का जो मामला था उसी पर दोनों के बयानों में अंतर दिखा। बोलते हैं शरद राजनीति करते नहीं है, शरद एक अलग चरित्र के आदमी है, वो पूरे देश को एक्सेप्टेबल है। नीतीश कुमार आजकल अपने आप को केवल बिहार का क्षेत्रीय नेता पाते हैं, वो भी भाजपा की मेहरबानी से, इससे बोलते रहते हैं। शरद जी की बात में कोई भी अन्यायसंगत बात नहीं होती है, सैद्धांतिक बात होती है, नीतीश सिंह स्वार्थपेक्षी राजनीति की बात करते हैं। जी, तो ये कहा जाए कि आप नीतीश के नेतृत्व से असंतुष्ट हैं? बिल्कुल असंतुष्ट हूँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रराज सिंह भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है लेकिन नीतीश का जो तानाशाही रवैया है उसको देखकर मैं जदयू से अलग नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी नीतीश का जो नेतृत्व है उससे मैं असंतुष्ट हूँ। बिहार में भाजपा जदयू के गठबंधन की टूटी, राजनेताओं के दल बदल और जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार की तीनों प्रमुख दल
भाजपा, राजद और जदयू एक दूसरे के नेताओं के उनकी पार्टी में आने की बेकरारी को खुलकर बता रहे हैं। राजद विधायक सम्राट चौधरी ने कहा कि जेडीयू के लगभग 40 से 50 विधायक राजद सुप्रीमो लालू यादव और कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि समय आने पर सभी लोगों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जन टीवी से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं और जब उचित समय होगा